नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चेक दिस आउट, एक और नया आइटम आ गया है नए स्टूडियो के लिए। ये हैं मंकी बनाना के ऑडियो मॉनिटर्स। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराना स्टूडियो देखा हुआ है, उसमें रेड कलर के जो मॉनिटर आप देखे थे वो भी मंकी बनाना के थे। सेम मैंने रिपीट किया क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छे लगे थे मॉनिटर, क्योंकि मैं एक एडिटर हूँ और म्यूजिक प्रोडक्शन का काम नहीं है मेरा, तो मैं बहुत हाई एंड बहुत ज़्यादा महंगे ऑडियो मॉनिटर लेना पसंद नहीं करता। और बिल्कुल ही लो रेंज में जो अगर जाते हैं तो उससे और हाई के बीच का ये थोड़ा सा जो है डिस्टेंस के ऊपर मंकी बनाना आता है। इससे लोअर के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो प्रिसोनस के आपको मिल जाते हैं, बेसिकली मैकी मिल जाते हैं। बट मुझे मंकी बनाना बहुत अच्छा लगा था। इसकी एक बढ़िया चीज़ ये कि ब्लूटूथ भी है इसके अंदर। सो ऑडियो मॉनिटर तो है ही, बट इसको ब्लूटूथ से भी आप चला सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप सिस्टम ऑन नहीं करते, सिंपली फ़ोन से चलाना चाहते हैं, तो फ़ोन से आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके सीधा के सीधा इसमें म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हैं। सो काफ़ी वर्सेटाइल है, इसलिए मैंने इसको सेकेंड टाइम मंगवाया है। फर्स्ट जो ऑडियो मॉनिटर थे वो रेड कलर के थे। उसकी मैंने एक्चुअली बड़ी फनी स्टोरी है, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट की थी, बट मैं उसे एडिट ही नहीं कर पाया कभी और मैंने पोस्ट नहीं कभी वो, राइट। सो आज मुझे दोबारा मौका मिल गया, तो सेम ब्रांड है वो रह गई, कोई बात नहीं। मैं आपने कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर कैसे दिखते हैं वो, बट इस वाले को हम अनबॉक्स करते हैं। तो ये स्टिकर लगा हुआ है इनके अंदर, ये पैड्स हैं यहाँ पर नीचे बेसिकली मॉनिटर के रखने के लिए, ताकि वाइब्रेशन वगैरह को ये डैम्प कर सके। ये उसकी बुकलेट वगैरह साथ में जो आई है, ये कनेक्शन के लिए वायर्स वगैरह हैं, और ये सारा कुछ अंदर ही पैकेज में आता है, तो ये सेपरेटली आपको वायर वगैरह नहीं परचेज करनी पड़ती। कई ऑडियो मॉनिटर्स में आपको सेपरेटली लेनी पड़ती है, इसका सारा कुछ बॉक्स के साथ ही आता है, तो ये एक अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ और एक्चुअल मॉनिटर्स को निकालता हूँ। सो कुछ इस तरह के ये मॉनिटर हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट से हैं। यहाँ पर अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊँ, इस पर एक्टिव गिबॉन एयर लिखा हुआ है। 230 वोल्ट ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है। लो और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह का ये मॉनिटर है, यहाँ देख सकते हैं आप, और बैक साइड में आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको वैसे अलग से भी जूम इन करके दिखा दूंगा। यहाँ पर सारी आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली हल्का है क्योंकि इसमें सारा कुछ फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी ओ बच के ये जो रेड और ब्लैक कलर का कनेक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी ये वाली वायर जाएगी जो रेड एंड ब्लैक वाली। यहाँ पर मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ, ये वाली वायर रेड और ब्लैक जो है वो एक एंड इसमें जाएगा और दूसरा एंड इसमें जाएगा, तो आपस में दोनों मॉनिटर जुड़ेंगे। और ये आपकी जो है ऑक्स केबल है, ये आपकी एक एंड इसका जाएगा मॉनिटर के अंदर लेफ्ट और राइट के लिए, और दूसरा एंड जो है आपका सिस्टम के अंदर जाएगा कंप्यूटर में, ताकि ऑडियो वहाँ से लेकर के और इसके अंदर पीसी की ऑडियो डाली जा सके, राइट। सो गुड ऑक्स केबल भी इन्होंने दिया, लास्ट टाइम आई डोंट नो ऑक्स केबल दी थी या नहीं। एंड दिस वन इज़ पावर केबल। सो पावर केबल, दोनों मॉनिटर की कनेक्शन केबल, ऑक्स केबल, और एक ये मॉनिटर का लेफ्ट और राइट जो कि आप जिसको सिस्टम से इनपुट दोगे तो कंप्यूटर में ये पार्ट दूसरा पार्ट जो जुड़ जाएगा इसका। 3.5 एमएम जैक है, बेसिकली किसी भी चीज़ में आप जोड़ सकते हो, राइट। सो दिस इज़ द सेटअप। आपको कैसे लगे मॉनिटर देख के आप बताइए। और रेड कलर में भी अच्छे लगते हैं मुझे, ब्लैक भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब इनको मैं सिस्टम के अंदर जोड़ लेता हूं और देखते हैं किस तरह का ये परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं दोनों मॉनिटर मैंने लगा दिए हैं, और ये प्रॉपरली तरीका नहीं है वैसे तो प्लेस करने का, भी देख सकते हैं यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा इसको जगह मिल गई है। इसको बाकी मैं सेटिंग करके दोबारा से एडजस्टमेंट करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो बटन है इसको प्रेस करने पर ऐसे यहाँ पर ये येलो सी लाइट जल जाती है, इससे पता लग जाता है आपको कि ऑन हो गया, राइट। सो अभी ये पीसी से कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ प्ले करके देखते हैं हम। तो देव नेक्स्ट लेवल का बॉस यहाँ प्ले करके देखते हैं हम। तो करंटली ये मेरे स्क्रीन के स्पीकर के अंदर चल रहा है। इसको अब चेंज करते हैं इसके ऊपर जो हमने नया मॉनिटर लगाया है, देखते हैं किस तरह की आवाज़ आती है। तो आप सुन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई है, मेरी आवाज़ आपको आ नहीं रही होगी, थोड़ी ऑडियो कम करते हैं। थोड़ा मुझे ऑडियो कम करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा लाउड है ये, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाता हूँ, सुनना। आई होप देव नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे। सो काफ़ी बढ़िया साउंड इसकी आई है, आई एम हैप्पी। एक बार आपको मैं फ़ोन के साथ भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो अब ये पेयर हो गया, एक्टिव हो गया, अब मैं इसमें कुछ प्ले करता हूँ। देख रह गया मैं बंद मार टिड़च मैं लापरी ओदी चकली दनाली कला ओ कला मैं सुन सान सी मैदान खाली मथे ते बंदूक गोली छटण दी काली। तो अब हमने यहाँ से भी चेक कर लिया, तीसरी चीज़ है ऑक्स, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑक्स कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे गाना प्ले करता हूँ, यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले किया है और वो वहाँ पर बज नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि अभी मुझे यहाँ पर सोर्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने सोर्स में चेंज किया, आप सुन सकते हैं ये अभी ऑक्स मोड पर आ गया है। तो यहाँ प्ले हो रहा है और ऑक्स के थ्रू ये यहाँ पर प्ले हो रहा है, राइट।
क्रिस्प है आवाज, बिल्कुल एकदम क्लीन सुनाई देती है, ओवर बेस नहीं है, ठीक है, सब बैलेंस बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपको एडजस्ट करना हो तो मैंने आपको बताया हुआ है बैक साइड में जो है हाइयर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो कैसे लगे आपको ये मॉनिटर? अगर आप लोगों को परचेज करने हैं तो अगेन मैं वही सजेशन दूंगा, आप इनके साथ जा सकते हैं या फिर प्रिसोनस के भी सस्ते आते हैं अगर आप एडिटर हैं तो। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो विद हायर एंड मॉनिटर्स, कम से कम आप यामा से शुरू कर लें या फिर KRK भी थोड़े अच्छे हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए अगर वो बिगिनिंग बिल्कुल फेज में हैं, राइट। बट अगर जो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको एक बेसिक सेट ऑफ मॉनिटर चाहिए जिससे आप ऑडियो मॉनिटरिंग कर सके, ताकि आपको पता रहे कि ठीक है कुछ ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा, तो ये ट्रू मॉनिटर हैं और ये आपको आपके स्टूडियो के अंदर हेल्प करेंगे आपकी एडिटिंग के प्रोसेस के दौरान, वीडियो एडिटिंग के दौरान में जो भी आपको ऑडियो का काम करना होता है उसके अंदर ये आपको सफिशियंटली हेल्प कर देंगे, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, राइट। सो यू कैन गो विद मैकी, प्रिसोनस और मंकी बनाना, सारे अच्छे हैं, मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ये दोबारा से सेकंड टाइम ऑर्डर कर दिए। बाकी आप लोग के इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए। आप लोग वीडियो एडिटर जो हैं वो कौन कौन से ऑडियो मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बताइए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी आपके नए परचेज़ के लिए अगर आप ऑडियो मॉनिटर देख रहे हैं तो। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दिए हुए हैं, उन पर जाकर के आप इन वीडियोज़ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।